अगर आप एक महिला हैं और आप अपने आप को पुरुषों के मुकाबले कम समझती हैं, या फिर आपको लगता है कि आप वो काम नहीं कर सकती हैं जिन्हें पुरुष कर सकते हैं, तो ये स्टोरी आपकी सोच बदल देगी। भारत में सड़क से लेकर संसद तक कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें केवल पुरुषों के लिए ही आरक्षित रखा जाता है। हालांकि पिछले कुछ समय में तस्वीर कुछ बदली है। सड़क से लेकर संसद तक महिलाओं का नेतृत्व बढ़ा है। वो बात और है कि इसके लिए महिलाओं को एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। सीवी मुथम्मा इसका एक बड़ा उदाहरण है। उन्होंने महिलाओं को डिप्लोमेट बनने की एक लंबी लड़ाई लड़ी और सरकार को अपने सामने झुकने के लिए मजबूर किया। कर्नाटक के कोडागु जिले में पैदा हुई सीबी मुथम्मा 9 वर्ष की थी जब उनके पिता का देहांत हो गया। इसके चलते मुथम्मा की सारी जिम्मेदारियां उनकी मां ने निभाई। शायद यही वजह था कि उन्होंने अपने जीवन में किसी भी भूमिका को जेंडर से जोड़कर नहीं देखा। वे न सिर्फ यूपीएससी परीक्षा की टॉपर थी बल्कि पहली महिला भी थी जिन्होंने यूपीएससी पास की थी। इसके बाद उन्होंने इस क्षेत्र को चुना जिसके लिए महिलाओं को लायक नहीं समझा जाता था। यह क्षेत्र इंडियन फॉरेन सर्विस का था। उस समय की मांग देखिए, 1949 में जब मुथम्मा आईएफएस ऑफिसर बनी तो उनसे शादी न करने को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर करवाए गए। समझौते में लिखा था कि यदि वो शादी करती हैं तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। हालांकि बाद में इस समझौते को खारिज कर दिया गया था। इस तरह विदेश सेवा में काफी समय तक काम करने के बाद जब वो अपने अगले प्रमोशन में राजदूत बनने वाली थी तो उस पर भी रोक लगा दी गई। मुथम्मा सरकार के इस फैसले पर हैरान थी। हैरानी का कारण भी था। असल में जो महिला यूपीएससी टॉप कर चुकी हो, जिसने सालों विदेश सेवा में रहकर काम किया हो, वो सिर्फ इसलिए राजदूत नहीं बन सकती थी क्योंकि वो एक महिला थी। आमतौर पर लोग ऐसे मौकों पर समझौता कर लेते हैं, लेकिन खुद पर लगी पाबंदी पर सीबी मुथम्मा चुप नहीं बैठी। उन्होंने सरकार के इस दकियानुसी सोच से लड़ने का फैसला किया और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। उन्होंने देश सेवा में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव का हवाला देकर अपना पक्ष रखा। इस केस में सरकार की तरफ से पक्ष रखने वाला कोई और नहीं बल्कि भारत के सबसे बड़े कानूनविदों में से एक सोली सोराब थे। सरकारी वकील होने के नाते सोली सोराब ने सीबी मुथम्मा के प्रस्ताव को गलत ठहराया। सम्मत था कि राजदूत चुनने में महिलाओं को नजरअंदाज करना गलत नहीं है। कोर्ट में उन्होंने दलील दी कि यदि गोपनीय जानकारी लीक होती है तो ये देश के लिए खतरे की बात होगी। ऐसे में मुथम्मा को राजदूत न बनाने को लेकर सरकार का फैसला सही है। वहीं सोराबजी के इस तर्क का विरोध जताते हुए जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर ने सोराबजी से पूछा कि आखिर इसकी क्या गारंटी है कि कोई पुरुष राजदूत देश की गोपनीय जानकारी लीक नहीं कर सकता। अंततः कोर्ट का फैसला सीबी मुथम्मा के हक में हुआ। इसके तहत सरकार को विदेश सेवा में महिलाओं के साथ भेदभाव करने वाले नियम को खत्म करना पड़ा। इस केस की खास बात यह है कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने मुथम्मा के पक्ष में फैसला देते हुए जो कहा था वो आज भी प्रासंगिक है। लिहाजा मुथम्मा ने कोर्ट के इस फैसले के जरिए सरकार को आईना दिखाया और असली लोकतंत्र और आजादी का मतलब समझाया। सीबी मुथम्मा की बेबाकी पर सुप्रीम कोर्ट के जज भी प्रभावित हुए। जब 15 अक्टूबर 2009 में उनका देहांत हुआ तो जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर ने एक अंग्रेजी अखबार में एक लेख उनको समर्पित किया। मुथम्मा को याद करते हुए उन्होंने रॉबर्ट इंग्रसोल के शब्दों में लिखा कि बिना आजाद औरतों के कभी भी महान आदमियों की पीढ़ी नहीं बन सकती। सीबी मुथम्मा की इस लड़ाई ने किस तरह विदेश सेवा में महिलाओं की स्थिति को बदला, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब संयुक्त राष्ट्र संघ में भी महिलाएं भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं।